नमस्कार, मैं संजय मग्गू और मौजूद हैं देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। हरियाणा के अंदर नायाब सरकार का आगाज हो गया है। हरियाणा के अंदर आज नायाब सिंह सैनी ने हरियाणा के मुख्यमंत्री पद के रूप में शपथ ले ली। एक तरह से वो राजसूय यज्ञ के समान आज का वो शपथ ग्रहण समारोह था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर के और NDA के बड़े नेता चंद्रबाबू नायडू, देश के गृह मंत्री अमित शाह से लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, हिंदुस्तान की आधी से ज़्यादा कैबिनेट और भारत के आधे से ज़्यादा राज्यों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री इस ऐतिहासिक शपथ ग्रहण समारोह के गवाह बने। एक प्रमुख बात और रही दोस्तों, जब से नायब सिंह सैनी का कल यानी कि जब उनको हरियाणा विधायक दल भाजपा के विधायक दल का नेता चुना गया और आज उनके शपथ ग्रहण लेने के बाद तक, आप तमाम सोशल मीडिया वेबसाइट्स पर देखें, नायब सैनी के बारे में आपको सब कुछ मिलेगा। सब बता रहे होंगे कि नायब सिंह सैनी, कोई वेबसाइट लिख रही है कि उन्होंने मनोहर लाल को कंप्यूटर चलाना सिखाया, कोई लिख रही है कि उन्होंने नरेंद्र मोदी के साथ बैठ करके ड्राइविंग सीट पर होते थे और मोदी साथ वाली सीट पर होते थे, मतलब तमाम प्रकार से विख्यात किया जा रहा है। लेकिन सबसे प्रमुख बात यह है कि राजनीति हो या कोई और कार्यक्षेत्र, अगर आप लगन से लगे रहेंगे तो फिर मुकाम मिल जाएगा। नायब सिंह सैनी के बारे में भी यही कह सकते हैं, एक सामान्य घर का युवक जब घर से बाहर निकला तो आज वो हरियाणा के मुख्यमंत्री पद के मुकाम तक पहुंच गया। ये उनका सारा बीच का सफ़र है। और जब सफ़र में आदमी होता है तो खट्टी मीठी सारी यादें होती हैं। जब व्यक्ति सफ़र में होता है तो सफ़र के अंदर आलीशान सड़कों रोड से लेकर के और तमाम जो ब्रेकर होते हैं स्पीड ब्रेकर, वो तमाम सब कुछ उस सफ़र में बीच में आता है। नायब सिंह सैनी के सफ़र में भी सब कुछ रहा और आज नायब सिंह सैनी की हरियाणा के अंदर सरकार बन गई। मैं आपसे प्रमुख चर्चा में हूँ नायब सिंह सैनी सरकार को लेकर, उनकी सरकार के वजीरों को लेकर। सबसे पहले तो आपको बता दें कि लंबे समय बाद ऐसा हुआ जब हरियाणा के अंदर एक बार में पूरी सरकार बन गई। आज क्योंकि संख्या के हिसाब से हरियाणा के अंदर 14 मैक्सिमम मंत्री बन सकते हैं मुख्यमंत्री सहित, तो वो आज पहले ही दिन हो गया, मुख्यमंत्री भी बन गए नायब सिंह सैनी और उनके साथ में 13 मंत्रियों ने शपथ ले ली। नायब सिंह सैनी के इस मंत्रिमंडल को देखें, इस सरकार को देखें अगर, तो सरकार के अंदर आपको एक प्रमुख चीज़ तो ये मिलेगी कि इसके अंदर जो कास्ट का समीकरण बिठाया गया है, अगले वीडियो में आपसे चर्चा करूँगा, वो बहुत हटके है। और दूसरा, इस सरकार के अंदर युवा जोश से लेकर अनुभव तक सब कुछ है, यानी कि जोशीले युवाओं से लेकर के और अनुभवी नेताओं तक, खांटी नेता सब इसके अंदर मौजूद हैं। नायब सिंह सैनी के मंत्रिमंडल में एक तरफ अनिल विज और कृष्णलाल पंवार होंगे। अनिल विज 7 बार के विधायक, सूबे के गृह मंत्री, सूबे के सेहत मंत्री, सूबे के लोकल बॉडी मिनिस्टर, ये सब कुछ रहे। इनके मंत्रिमंडल में कृष्णलाल पंवार हैं, इसराना के विधायक, 6 बार के विधायक, सरकार के वजीर से लेकर के। और अगर कृष्णलाल पंवार का देखें तो उन्होंने डाउन टू अर्थ, जमीन से शुरू करके और एक बड़ी ऊंचाई को छुआ है। राज्यसभा के सदस्य भी थे आजकल, जिससे रिजाइन दे करके और वो अब सरकार में वजीर बने हैं। अगर उसके बाद आप देखें तो इस सरकार के अंदर विपुल गोयल जैसे अनुभवी व्यक्तित्व हैं। इस सरकार के अंदर राव नरवीर सिंह जैसे करेक्टर, अनुभवी चरित्र, अनुभवी व्यक्तित्व। राजनीति के अंदर अगर आप कहें तो विपुल गोयल और नरवीर का नाम अलग श्रेणी में गिना जाएगा। इस सरकार के अंदर अगर आप देखेंगे आगे चलेंगे तो कृष्ण बेदी जैसे नेता भी हैं जो भारतीय जनता पार्टी के संगठन से नीचे से जुड़े हुए हैं। आप सरकार में देखें तो फिर गौरव गौतम जैसे युवा, सरकार के अंदर आप देखें तो फिर आरती राव खिलाड़ी, शूटर बिटिया और शूटर से वजीर का पद, वजीर का सफ़र। इस सरकार के अंदर श्रुति चौधरी भी हैं, चौधरी बंसीलाल की राजनीतिक विरासत को संभालने वाली श्रुति चौधरी। इस सरकार के अंदर राजेश नागर भी हैं, 2 बार के विधायक, और मान लें तो तिगांव विधानसभा क्षेत्र को पहली बार हरियाणा सरकार के अंदर पूरी भागीदारी दिलवाने वाले नेता राजेश नागर। जो जो यहां से विधायक आज तक बने, कोई मंत्री नहीं बना था, पहली बार मंत्रालय मिला। अगर आप और मंत्रालयों की तरफ देखें जो और नेता सरकार के अंदर शामिल हैं, तो आप पाएंगे उसके अंदर कि एक ऐसा समीकरण सत्ता का। हालांकि सरकार के अंदर लगभग ऐसे 10-11 जिले हैं जिनको प्रतिनिधित्व नहीं मिला, लेकिन उनमें अगर आप करनाल को छोड़ दें कि करनाल जिले के विधायक काफ़ी हैं लेकिन प्रतिनिधित्व नहीं मिला, और संभवतः वो कोई बड़ा पद करनाल जिले को बहुत जल्दी मिल जाएगा विधानसभा के सत्र के दौरान में,
लेकिन ये जरूर है कि इस सरकार के अंदर बाकी जो जिले अछूते रह गए, आप रोहतक ले सकते हैं, आप झज्जर देख सकते हैं, आप मेवात देख सकते हैं, ऐसे जिले जरूर अछूते रह गए जहां पर भारतीय जनता पार्टी को विधायक नहीं मिले। और नहीं तो सरकार के अंदर जो सत्ता का समीकरण, सत्ता का संतुलन साधा गया है, यानी कि आप कह सकते हैं नायब सिंह सरकार को कि अनुभवी सोच और युवा जोश के साथ में एक ऐसा समीकरण साधा गया है जो कि हरियाणा की सियासत को 5 साल तक नई दिशा देगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री के तौर पर नायब सिंह सैनी का कार्यकाल आज से शुरू हो गया। कल वो विधिवत कार्यभार संभाल लेंगे और इसके बाद शुरू होगा हरियाणा सरकार का, क्योंकि अमित शाह कह के गए रोड मैप 100 दिन का बनाने का, यानी कि सरकार एक्टिव मोड में पूरी तरह से आ जाएगी। आपको क्या लगता है, नायब सिंह सैनी क्या जो पिछली लकीर खींची हुई थी मनोहर लाल खट्टर की और फिर खुद नायब सिंह सैनी को, उस लकीर को और कितना आगे बढ़ाएंगे? आपको क्या लगता है कि हरियाणा के अंदर जो हैट्रिक सरकार बनी है, भारतीय जनता पार्टी का जो इतिहास कायम हुआ है, ये किस प्रकार के नए कीर्तिमान स्थापित करेगी? और आपको क्या लगता है कि क्या नायब सिंह सैनी, जिन्होंने उनके मंत्रिमंडल के अंदर जिस प्रकार के नेता शामिल हुए हैं, युवा भी और जो यानी कि युवा जोशीले हैं और अनुभवी कहें तो खांटी नेता, कैसा संतुलन साध पाएंगे इन सबके बीच में? कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का यूट्यूब चैनल, सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।